शहरी शहरी यू आर ऑलरेडी लेट आई बहुत लेट हो गया गाइस शहरी के लिए ग्लास में पानी डालना हाँ नहीं नहीं वो हाँ बस तेज चला जाता है सो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं शहरी सो यस आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ इतनी चीज़ों के साथ में बता पाया सो गुड मॉर्निंग गाइस अस्सलाम वालेकुम तो पहली जमात तो छूट गई है अपनी अभी मैं भाग रहा हूँ दूसरी जमात के लिए होपफुली दूसरी जमात अपने को मिल जाएगी 1:30 बजे की नींद नहीं मिली थी तो उठे नहीं थे ठीक है अभी जाते हैं देखते जाते हैं तो एक दो और तीन टोटल तो 5 गाड़ियाँ ना अभी हिलना मत लग जाएगा वरना डोंट मूव हां किया आपने हाँ ये क्या किए आज बराबर नहीं बन रही पट्टी यस चलो है फूड नाउ फटाफट नो बेबी ना ना नो चलो अभी पुश रुक 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 मम्मी चिल्लाएगी तेरी मम्मी चिल्लाएगी रुक रुक चल मैं हूँ डॉग डुन 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 कभी किधर चल धक्का ले यस यस मम्मी मस्त हो रही अरे अभी तुम बैठो चलो जल्दी तुम बैठो 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 मजा कर लेते हो घूमो 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 जल्दी घूमो रेडी रेडी वन सीधा रखा एंडल सीधा रख क्या ड्रिफ्ट मार रहा हाँ नहीं मैं नहीं बस मेरे को बस नहीं बाबू लास्ट राउंड है अभी डैडा को नींद आ रही डैडा भी सो जाएंगे सो बस अभी इसी चीज की बातचीत चालू है कल भी मैच छोड़ने गया था नहीं रेसिंग करने आया परसों भी मैच छोड़ने गया था आने के टाइम पर कैब है तो वो एक परफेक्ट चीज़ है वो एक हेल्प है लेकिन सेल्फ ट्रांसफर करके जाना रोजा रख के इतनी धूप में वो थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है चलो एंड गाइस कल कौशल का बर्थडे भी है
अगर आज ऑफिस जाएंगे तो मैं और अपना मोस्टली कॉफी को सरप्राइज करने ऑफिस जाएंगे इंशाल्लाह। ओके तो नियत सेलिब्रेशन तो वैसा नहीं होता लेकिन मुझे स्पेशल फील कराने के लिए इंशाल्लाह। ओके गाइस चलो गाइस कौसर को तो हम लोग ने ऑफिस में छोड़ दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए क्या प्लान करूँ। हालांकि रमज़ान भी है और 4 साल से रमज़ान यानी कौसर का बर्थडे, रमज़ान और हमारी एनिवर्सरी ये सब एक ही साथ आया तो हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा सरप्राइज़ देता हूँ उसके ऑफिस के पास जाकर। हम लोग एक केक ले लेंगे, 2-3 फ्लावर्स ले लेंगे और एक अपना ये ले लेंगे बलून ले लेंगे और वो जाके हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज करके आ जाएंगे। देखते हाउ इट वर्क्स, अगर सब अच्छा रहा तो अच्छे से चलेगा वरना इट्स गोना टेक सम टाइम। सो गाइज वेलकम बैक। अभी ऐसा है कि कौसर के जो फ्रेंड्स हैं तो मैं सोच रहा था उन्होंने वही प्लान कर लिया, उन्होंने मुझको बुलाया है उसके ऑफिस के यहाँ पर। शी डजंट नो दिस इज गोइंग टू हैपन, दे आर प्लानिंग अ स्मॉल सेलिब्रेशन तो मैं वहाँ पर जाऊँगा जस्ट टू गिव अ सरप्राइज। तो यस लेट्स गेट चेंज, कपड़े चेंज करते हैं एंड इमीडिएटली निकलते हैं वापस जहाँ मैं उसको छोड़ने गया था और दैट इज पवई थाने, सॉरी थाने हीरानंदानी, नॉट पवई हीरानंदानी, थाने हीरानंदानी के लिए। तो यस चलो एक ट्रांजिशन की हेल्प से हम लोग जो है फटाक से चेंज कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली हमने चेंज कर लिया, अभी फटाफट निकलते हैं थाने के लिए और देखते हैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन होगा वो सेलिब्रेशन करके मैं तो वापस ही आ जाऊँगा। कौसर आएगी अराउंड 4 o'clock के आसपास। गाइस मैं निकल गया हूँ और साथ में सामान की बाइक, सामान ने मुझे अपनी जवान की बाइक मैंने ले ली। जवान थैंक यू वेरी मच, तब इसकी बाइक लेके मैं पहुँच रहा हूँ फटाफट कौसर के ऑफिस के पास। कौसर को तो कुछ वैसे मालूम नहीं है कि मैं आ रहा हूँ बट आई गेस उसको हिंट होगा क्योंकि शी न्यू समथिंग कि उसके फ्रेंड्स उसको प्लान कर रहे हैं। बस उसका रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे एंड देन वो बता देंगे। मैंने केक तो ले लिया है बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आई गेस इट विल टेक अराउंड 10 minutes मोर फॉर मी टू रीच देयर। सो यस हैप्पी बर्थडे कौसर वंस अगैन एंड मे अल्लाह गिव यू द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड ऑल द विशेस एंड थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट वाइफ, पार्टनर, फ्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बोला हमेशा कौसर ही लिखता हूँ, इस बार कुछ और भाई को बता ही दो कि तू मेरी वाइफ है। Happy birthday to you. Yeah, तो बात नहीं। ले ले शाइनी, आ कर। शाइनर ला रे। रे रे। देख लिया? मैं बोल। लाना इसको। क्या है? अबे लाइटर देखो। Ready? Smile. Lovely. Bol bol. Bol bol bol. So guys, celebration तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर बहुत खुश हो गई। You know, she's very lucky कि उसको ऐसे friends मिले जो इतना सोचते हैं, इतना plan करते हैं। तो yes, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से हो गई। अभी उसके फ्रेंड्स ने उसको कहा है कि काम करो तुम यहीं से घर पे चले जाओ, यू गो एंड वर्क फ्रॉम होम, घर से तुम कॉल्स कर लो, पेंडिंग जो भी तुम्हारे टास्क होगा घर से कर लेना। तो अभी कौसर साथ में ही आ रही है तो इंशाल्लाह साथ में हम लोग उसको लेकर के निकल जाएंगे। कौसर हैप्पी बर्थडे, कैसा लगा? ओ थोड़ा जोर की बोलना पड़ेगा। मतलब कैसा लगा? कैसा कभी कभी अच्छे काम कर लेते हैं।
ठीक है क्या कर को लेकर आ गए रहते। मैं अजलान को लाने की सोचा बट है ना मैं बोला गाड़ी अरेंजमेंट ही नहीं था तो जमान को पिटा के मैंने गाड़ी लेके आया। बिल्कुल भी मतलब मेरा फर्स्ट सरप्राइज था। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं और ये पूरा प्लान उन लोग का ही था एक्चुअली। वरना तुम नहीं आते। नहीं 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 तुम देखना व्लॉग में मैंने दोपहर में बोल दिया था कि मैं तुमको सरप्राइज देने एटलीस्ट तुम्हारा बर्थडे के लिए मैं आ जाऊंगा घर। तुम व्लॉग देखना तुमको मालूम पड़ेगा। दोपहर में जब तुम गुस्सा होकर अंदर जा रही थी ना बेटा तभी मैंने दोपहर में बोल दिया था कि आज मैं तुमको सरप्राइज दूँ। ठीक है चलो अभी खाना कहाँ खिला रही हो मेरे को कहाँ दे रही हो बर्थडे पार्टी। चलो लॉग इन करना घर पे आके ठंडा पी लो कुछ ऐसा बोलो। ओ और तुम बोलती हो कॉमेडी करो ये करो वो करो तुम और अजलान से खांदा नहीं। ये बात तो है गाइस। ठीक है चलो अभी अपन लोग विक्रोली में मिलते हैं। बाय करो सबको। हाथ दुख रहा है मेरा। तो मैं बोला था पहले सागर भाई ने कॉल किया मेरे को। सागर भाई बोला तुम क्या कर रहे हो। मैं बोला मेरा आने का प्लान ही था। एक काम करो तुम आ जाओ। फिर जैसे सागर भाई सागर कॉल कटो उससे मैं वैभव भाई का कॉल आ गया। तो वैभव ने बोला तुम आ जाओ करके हम लोग यहाँ पे सागर का भी कॉल आया था मैं आ रहा हूँ। बोले ठीक है चलेगा। ऐसा हुआ प्लान। मेरे फ्रेंड इतने अच्छे। अरे भाई वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक आप सोचते हैं वही बड़ी बात है। आजकल के टाइम पर कोई सोचता नहीं है। अब देखो जैसे मैंने रमान को जैसे ही बोला रमान भाई बाइक चाहिए कौशल को सरप्राइज करने आ रहा हूँ। रमान जिम छोड़ के बाइक की चाबी दे दिया मेरे को। बोले जा मैं बैठा हूँ जा तुम्हें बैठा हूँ। अभी वो शाकिब आया तो शाकिब को उसने चाबी दिया और वो गया वहाँ पर जिम करने के लिए। देखिए दोस्त जब अपने कोई काम ना आए तो दोस्त ही काम। So guys, finally we are back home. Alhamdulillah. Yes, this is orange. Alhamdulillah, we are back home. और सारे के सारे काम हो गए हैं। Wind up भी कर दिया है हम लोगों ने। यजलान की दवा है जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया है तो रेड उसका जख्म जल्दी सूख जाए। तो यस गाइज चलिए आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरे हर व्लॉग की तरह आपको ये व्लॉग भी उतना ही पसंद आया होगा। मुझे सराहने के लिए मुझे प्यार करने के लिए बहुत 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 दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। हम मिलते हैं कल डे 27 इंशाल्लाह और देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस अस्सलाम वालेकुम। हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइस।